तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो मेरी माँ ही है जो धूप में भी छांव जैसी है। फूल पीछे हो या कांटे हो, राह ना अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए को जरा ना मोड़ो तुम। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने खुद से पोएम लिखी है और वो उसको सुनाने वाले हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको सीधे अपनी क्लास में। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ कॉलेज में और आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा कॉलेज और यहीं स्टूडेंट आने वाले हैं जो कि पोएम लिख के आने वाले हैं। मैंने उनसे बोला था तो उन्होंने अपने हाथ से किस तरह से उन्होंने सोचा है लिखने के लिए, तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उनसे बात करेंगे हम किस तरह से। तो देख सकते हैं आप, ये अपना कॉलेज है और बस हम यहाँ से जस्ट जा रहे हैं आगे की ओर को। तो गैस में पहुँच चुका हूँ अपने कॉलेज के अंदर और जस्ट हम यहाँ से जा रहे हैं क्लास को और फिर वहाँ जाके हम सीधे सुनाएंगे। देख लीजिए यहाँ का, यहाँ से सीढ़ी होते हुए हम सीधे ऊपर की ओर को जाएंगे दो मंजिले में, और वहीं अपना डिपार्टमेंट भी है, उसी डिपार्टमेंट में आपको हम दिखाएंगे किसी तौर से। और ये देख लीजिए यहाँ पर जो दिख रही है आपको लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी से हम जस्ट इधर को लाइब्रेरी वाला भी मैं कभी आपको दिखाऊंगा ब्लॉग। तो गैस, मैं आपको दिखाता हूँ आज अपना कॉलेज, और मैंने बताया था कि जितने भी आज स्टूडेंट हैं हमारे, तो आज वो एक पोएम सुनाने वाले हैं, तो मैं ले चलता हूँ आपको सीधे क्लास में। अच्छा, आपका नाम क्या है एंड आपका? ओके, एंड यू? और आप? तो सबने अपने अपने पोएम लिख रही की, खुद अपने मन से लिखी है। तो गैस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक स्टूडेंट है एमए की, उन्होंने हिंदी में एक पोएम लिख रही की जो कि माँ पर लिखी है अपनी खुद से एकदम सोच सोच के। तो आइए मैं ले चलता हूँ, उनकी सुनाते हैं आपको पोएम। तो आइए ले चलते हैं हम इनकी कविता पर। चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो मेरी माँ ही है जो धूप में भी छांव जैसी है, उसके जैसा प्यारा कोई नहीं, हाँ दुनिया है वो मेरी, है वो मेरा जहाँ, जिसे बुलाती हूँ प्यार से मैं माँ। घुटों से रहते रहते जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसकी ममता की छांव में न जाने मैं कब बड़ी हुई, उसके जैसा ममता में कोई नहीं, हाँ दुनिया है वो मेरी, है वो मेरा जहाँ, जिसे बुलाती हूँ प्यार से मैं माँ। माँ और माँ का प्यार निराला, अंधेरे में भी साथ उसके लगता उजाला, क्या मैं उसकी बात बताऊँ, सोचूं कैसे उसे मैं जान पाऊँ, उसके जैसा ईश्वर भी तो नहीं, हाँ दुनिया है वो मेरी, है वो मेरा जहाँ, जिसे बुलाती हूँ प्यार से मैं माँ। माँ तो माँ तो आखिर माँ होती है, रातों को जाकर अपने सपने त्याग कर ख्वाहिशें मेरी करती है वो पूरी, उसके बिना तो जिंदगी है अधूरी, उसके जैसा प्यारा कोई नहीं, हाँ दुनिया है मेरा जहाँ, जिसे बुलाती हूँ प्यार से मैं। बहुत अच्छी कविता इन्होंने सुनाई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए इन्होंने खुद से लिखी हुई है। तो आपको कितना टाइम लगा इसको लिखने में? एक दो घंटे में बना दी थी। पहले से सोचा होगा ना आपने? हाँ सोचा, फिर एक बार लिखा, दो बार लिखा, फिर एडिट किया। तो आप मतलब किससे इंस्पायर थे चीजों में लिखने में? अच्छा, आपने बहुत अच्छा लिखा है, देख लीजिए। बाकी और आप भी लाए हो, लिखे आप लोगों ने भी? लिखिए आपने भी? तो आ जाइए आप यहाँ पर, आ जाइए थोड़ा सा आगे, अब यहाँ पर खुद से लिखिए अभी। तो गैस, मैं आपको बता दूँ, देख लीजिए नए नए टैलेंट देखने को मिल रहे, कुछ टाइम बाद मैं इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा फिर आपको दिखाऊंगा। ओके, पढ़े चलो। मेरा नाम प्रिया बनाल है, मैं फोर्थ सेम की छात्रा हूँ। बड़े चलो में एक कविता लिखी है मैंने। फूल पीछे हो या कांटे हो, राह ना अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए को जरा ना मोड़ो तुम, साथ रहे या ना रहे साथी, हिम्मत मगर ना छोड़ो तुम, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना दीन बन जोड़ो तुम, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बनी हो तन में तब तक आगे बढ़े चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए आपने कहाँ से ली प्रेरणा? बड़े चलो कुछ दिन सोचा, काफी अच्छी पोएम लिखी है, करीबन 10-12 लाइन की। अभी से देख लीजिए, कुछ आने वाले टाइम में हमें टनकपुर जो कॉलेज है महाविद्यालय, तो हमें यहाँ बहुत से टैलेंटेड बच्चे हैं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट, दोनों के बच्चे, कुछ टाइम बाद आपको मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे भी दिखाऊंगा, जो कि हमारे जो प्रोफेसर सर हैं DV सिंह सर, उन्होंने बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया है,
तो आज मैंने हिंदी के बच्चों को दिखाया आपको, फिर उसी टाइप से मैं आपको इंग्लिश के भी दिखाने वाला हूँ क्योंकि उन पर काम चल रहा है, बच्चे लगे हुए हैं पोएम लिखने में, तो इसके लिए आपने इंस्पायर तो ये करा। तो आज तक आपने कितनी पोएम लिख दी है? अभी एक ही स्टार्ट की है, तो जल्दी मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने एक तो बड़े चरणों में लिखी है जो कि प्रिया बोनाल ये हैं और नीलम जोशी ने लिख रखी वहाँ पर। और कुछ टाइम बाद अगर बहुत से लोग यूट्यूब के माध्यम से अगर देख रहे होंगे, क्योंकि हमको पता है कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम है, जितने लोग भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ बड़े बड़े पब्लिशर हैं, पब्लिश करने के लिए बुलाएंगे इन पोएम को। तो इन्होंने बहुत अच्छा करा और आगे भी मैं आपको इस तरह की पोएम जो है बच्चों की मैं दिखाते रहूँगा अपने अतुल सर ब्लॉग की तरफ से। तो गाइस अभी आपको बता देता हूँ, जो नीलम ने पोएम लिखी थी अब मैं इसको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, जो माँ पर लिखी है। आपको बताया माँ कितना बड़ा शब्द है, माँ का नाम लेते ही हमारे सारे दुख दर्द हैं दूर हो जाते हैं। आपको पता है जब भी हमारी मुसीबत होती है हम माँ का ही नाम लेते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर वर्क कर रखा, माँ पर लिखा है। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ इसको अपनी आवाज में। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवा जैसी है, वो मेरी माँ ही है जो धूप में भी छाँव जैसी है। वो कितनी बड़ी बात लिखी इन्होंने अपनी लाइनों में। उसके जैसा प्यारा कोई नहीं है यहाँ, दुनिया है वो मेरी, है वो मेरी जान। बहुत अच्छी बात, जिसे बुलाती हूँ प्यार से मैं माँ, घुटनों से रेंगते रेंगते कब अपने पैरों पर खड़ी हुई देख ली। जैसे छोटा बच्चा होता है घुटनों से रेंगते रेंगते कब अपने पैरों पर खड़ा होता है किसी को पता ही नहीं चलता। उसकी ममता की छाँव में न जाने में कब बड़ी हुई, उसके जैसी ममता माई कोई नहीं है यहाँ, दुनिया है वो मेरी, है वो मेरी जहाँ, जिसे बुलाती हूँ मैं प्यार से। इन बच्चों ने काफी कम समय में पोएम तैयार करी, इसके लिए हम इनका थैंक यू बोलना चाहते हैं सभी बच्चों को। आने वाले टाइम में ये बच्चे और अच्छे से लिख के आएंगे और कुछ टाइम बाद इसी कॉलेज की नई बुक भी निकलने वाली है, तो जल्द मैं आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। ओके, तो जाते जाते मैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।